हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्राई टू हिमालयस। आज के एपिसोड में हम जाने वाले हैं त्रिवेंद्रम से पूवर आइलैंड, और पूवर आइलैंड में हम आपको दिखाएंगे बैक वाटर्स और उसके बाद वहां का पूवर बीच, जिसे हम गोल्डन बीच भी कहते हैं। वहां तक जाने के लिए ना हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगेंगे, और वहां जाने के लिए हमने हायर की एक टैक्सी जो कि हमसे चार्ज करी है 500 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं पूवर आइलैंड और बाकी की बात रास्ते में करते हैं। तो पूवर आइलैंड के बारे में आपको कुछ मैं बताता हूँ। ये एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है। इसके एक तरफ पे तो बैक वाटर्स और दूसरी तरफ पे आपके ओशन है, और जो ये आइलैंड है इसका जो सैंड है वो बिल्कुल गोल्डन है। इसे गोल्डन बीच भी कहते हैं। तो चलिए, जब तक हम पूवर आइलैंड पहुंचते हैं तब तक आप कुछ एक ब्यूटीफुल कैप्चर किए हुए शॉट्स को एंजॉय कीजिए, और कुछ एक रिजॉर्ट्स के आसपास के ये शॉट्स हैं ट्रीज के, कोकोनट ट्रीज के बीच के, और उसके पहुंचने के बाद हम आपको बैक वाटर्स की साइट सीइंग करवाते हैं। बोटिंग करते समय अगर आपका कुछ खाने का मन करे तो यहाँ पे आपको बहुत से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी बोट रोक के कुछ टाइम के लिए कुछ खा पी भी सकते हैं। यहाँ आइलैंड पे आते समय हमें रास्ते में ये बनानास, या फिर मैं कहूँगा बेबी बनानास मिले। अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ से बैक वाटर्स की बोटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ के चार्जेस जो हैं वो 3500 रुपीज़ ये लेते हैं, और उसमें आपके 2 आवर्स तक मैक्सिमम ये आपको बोटिंग करवाते हैं और पूरा बैक वाटर्स प्लस गोल्डन सैंड बीच तक लेके जाते हैं। कुछ नेगोशिएट करने के बाद ये प्राइस हम 2500 ले आए हैं, बट एज पर देम जो प्राइस है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो 3500 रुपीज़ ही है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे बैक वाटर्स की तरफ। हमारे ड्राइवर जो हैं वो साथ में हमारे गाइड भी हैं, और उन्होंने हमें बताया कि आपको यहाँ बैक वाटर्स का घूमते समय बहुत सारे बर्ड्स ही मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे अपने कैमरा से कैप्चर करने की और आपको दिखाने की। उसके अलावा फ्रेंड्स, मोस्टली इस वीडियो में मैं आपको बैक वाटर और जो हमारा रिजॉर्ट है पूवर आइलैंड रिजॉर्ट, हम उसकी सैर कराऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत सी बोट्स अभी और भी यहाँ पे बैक वाटर में घूम रही है, देख सकते हैं आप। और साथ में ये देखिए, ये नारियल वाले शायद ये इस बोट में बहुत से नारियल तोड़ के ला रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद हमें एक और बात पता चली कि अगर आप चाहें तो आपकी बुकिंग जो है जिस होटल में आप ठहर रहे हैं वो लोग भी आपको ऑफर करते हैं ये बैक वाटर्स की साइट सीइंग। तो आप चाहें तो वहाँ से भी बुकिंग अपनी करवा सकते हैं, और रेट आप वहाँ पे और ज़्यादा नेगोशिएट भी कर सकते हैं। और कई ऐसे होटल्स भी हैं जहाँ पे जाना ही आपको थ्रू दिस बैक वाटर पड़ता है, लाइक आपका पूवर आइलैंड बीच है, वो पूवर आइलैंड रिजॉर्ट है सॉरी, और उसके अलावा आपका जो ये क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट है, ये सभी पूवर आइलैंड पे हैं। तो यहाँ पे आपको जाना ही थ्रू दिस बैक वाटर पड़ता है। तो वहाँ जाते हुए भी आप आधी जर्नी तो आपकी वैसे ही कंप्लीट हो जाती है साइट सीइंग की। हमें कुछ एक बर्ड्स भी मिले जो कि हमने कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश भी की है। यहाँ पे हम एक बर्ड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा ज़ूम करके आपको उड़ गया इस समय। हमने कोशिश तो की आपको दिखाएं पर वो उड़ी गया तब तक। चलिए आगे कुछ मिलता है तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे
मनाली में आपको काफी सारे स्पॉट दिखाई गए लोग, जिसमें से एक बीच में छोटा सा ये चर्च भी है मदर मैरी का। इसकी कोई स्टोरी भी उन्होंने हमें बताई थी, बट मुझे अभी याद नहीं है। और यहाँ से सामने का व्यू भी आपके आ जाती है, जो कि आपको ओशन का पूरा व्यू दिखाती है। तो इसको एक चक्कर लगाने के बाद हम लोग ओशन की तरफ जाएंगे, और वहाँ साथ में ही एक रेस्टोरेंट भी है जिसे हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहते हैं, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट व्यू द पूवर आइलैंड रिजॉर्ट का, और इसके साथ ही ये आता है हमारा द एलिफेंट रॉक। और अगर आप साथ में ही देख पाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो बीच दिखाई दे रहा है वो है द पूवर आइलैंड बीच या फिर द गोल्डन बीच। और अब हम आपको दिखाते हैं द गोल्डन सैंड बीच का पहला व्यू। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और इस समय दिन के समय टेम्परेचर तो काफी है, बट पानी की लहरों के साथ उतना ही मजा भी आ रहा है। तो चलिए कुछ एरियल व्यूज एंजॉय कीजिए, और उसके बाद हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों वैसे तो ये बीच काफी बड़ा है, और यहाँ पे पूरा दिन घूमने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर ये एक साइड लंबा है और उतना ही दूसरी तरफ को भी। और जैसे जैसे टाइम पड़ता जाता है तो आपका दिन का व्यू अलग होता है, सुबह का अलग व्यू है और शाम का अलग व्यू है। तो अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो कम से कम एक दिन तो यहाँ के लिए लेके आए, और अच्छे से एक दिन आप पहले बैक वाटर्स करें और नेक्स्ट डे इस सैंडविच का मजा लें। काफी समय बिताने के बाद अब टाइम हो गया है फ्रेंड्स कि हम अपनी बोट में वापस जाएं, जो कि हमें हमारे रिजॉर्ट तक छोड़ेंगे, द पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे रिजॉर्ट की तरफ। और फ्रेंड्स ये है हमारा द पूवर आइलैंड बीच, उसका एरियल व्यू। और यहाँ पे हमारे को जो जेटी होती है वो यहाँ पे आके हमें उतारती है, और यहाँ से फिर हम अपने रूम की तरफ जाएंगे, और उससे पहले हम रिसेप्शन तक होते हैं और आपको रिजॉर्ट का पूरा सैर भी करा देंगे। तो चलिए अब हम अपने रूम की तरफ चलते हैं और आपको अपना रूम भी दिखाते हैं। सो दिस इज द रूम, बहुत ही एंशियंट स्टाइल का बेड है, और साथ में इसके आगे को बालकनी भी है। हालांकि इस समय धूप काफी तेज है, बट चलिए आपको बाहर का व्यू भी दिखा रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए भी जगह।
और ये जो व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सनसेट बार है इनका, वहाँ से बाहर का व्यू है। हालांकि हम डॉक पे भी जा सकते थे पर वहाँ पे अभी शायद इनके रेनोवेशन चल रहा है तो वहाँ पे इन्होंने जाने को मना कर दिया। ये सारा एरिया इनका ही है और काफी बीच के बिल्कुल साथ में ही है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि इस रिजॉर्ट में आने के बाद आपको इधर उधर घूमने की जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस रिजॉर्ट में ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की गई है। लाइक आपके सनसेट व्यू से लेके या आपने बार या स्विमिंग पूल आपने एंजॉय करना हो, यहाँ पे स्विंग्स भी लग रखे हैं, कोई बच्चे आपके साथ आते हैं तो आप वो झूले भी झूल सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स ये लोग भी ऑफर करते हैं आपको यहाँ से बीच तक ले जाने के लिए, क्योंकि आप ऑन फुट वहाँ तक नहीं जा सकते तो इनके टाइमिंग्स रहती हैं और ये लोग आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था द गोल्डन बीच या कह सकते हैं द पूवर आइलैंड बीच और साथ में ही द पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। और मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद ये वीडियो पसंद भी आया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं कोवलम बीच, तो स्टे ट्यून्ड और अगले एपिसोड आपको जल्द ही हम लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।